टीवी व्यूअर्स को मेरी तरफ से गणपति और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और मालिक करे आप सबको बहुत मन की शांति और सुख मिले। देखिए, मैं कोई फैनेटिक रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, बट आई डू बिलीव इन रिलीजन, और मैं जितना प्लेजेंटली हो सकता उतना मैं करता हूँ। गणपति का इसलिए करता हूँ कि ये बचपन से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल मेरे साथ। हमारे बिल्डिंग में सार्वजनिक गणपति आया करता था, और वो गणपति वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट हमारे लिए। जब हम छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, वो 11 दिन का जो गणपति आता था, नाटक होते थे, कभी कभी पिक्चर दिखाते थे। पिक्चर दिखाना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत भीड़ आती थी, फिर कभी म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो ये 11 दिन मेरी ज़िंदगी में तब से जुड़ा हुआ है। और हमारे एक बिल्डिंग में कोई 40-50 फैमिली रहती थी, उनमें से 25 फैमिलीज़ के घर में तो पूजा होती थी। तो पूजा का हम बाहर से देखते थे कि इसके घर में अच्छा प्रसाद है, अगर उसके यहाँ लड्डू वड्डू है या पेड़ा है तो हम जाते थे अंदर, अगर किधर शक्कर है या कुछ ऐसे मामूली सा प्रसाद है फिर हम नहीं जाते थे। और अंदर जाने का मकसद भी एक ही होता था कि जब आरती ख़त्म होने वाली हो, क्लाइमेक्स में हो, तभी जाते थे, ताकि ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। तो इस किस्म का ये जुड़ा हुआ है ये गणपति का त्यौहार मेरे साथ। और पहले मेरी मदर, जब हम गिरगाम में रहते थे, जो पहली पूजा कहते हैं, जब पहली वाड़ी कहते हैं, वो मेरी मदर किया करती थी। फिर हम शिफ्ट हो गए, तो तब से हम पहली वाड़ी तब से करते आए हैं, और अब मेरी मदर नहीं रही तो पिछले कई सालों से मैं ही जाता हूँ, और मैं ही वो पहली बारी अब जाकर पूजा करूँगा। बस सबको सुख और शांति दे गणपति जी, और प्यार दे, नफरत निकाल दे दिलों से। हैप्पी गणपति टू ऑल, एंड विश यू ऑल हैप्पीनेस, लव एंड पीस।